जानकारी देने के लिए आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन इधर बुलाया गया है। जो पूरी जानकारी है वो हमारे प्रभारी महोदय आपको विस्तार से देंगे कि आगे की रणनीति क्या है और किस तरह हमें बहुजन समाज पार्टी की बात को दिल्ली के अंदर आगे बढ़ाना, क्योंकि फरवरी शुरू हो गई है, मार्च में कभी भी आचार संहिता लग सकती है और उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में कभी भी चुनाव इस देश के अंदर हो सकता है। उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहन कुमारी मैथिल ने रणनीति बनाई है, उस रणनीति को आपका खुलासा हमारे प्रभारी महोदय करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहन कुमारी मैथिल के जन्मदिन को आर्थिक दिवस के रूप में मनाया और जो बहन कुमारी मैथिल की तरफ से टारगेट आया उस टारगेट को आप लोगों ने पूरा करने का काम किया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मगर अभी हम लोगों ने प्रदेश की समीक्षा में सभी जिम्मेदार साथियों को बुलाया था, जानकारी ली है और कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए हैं। वो प्रोग्राम हम लोगों ने जब 30 तारीख को और 31 तारीख को बैठक बुलाई थी तो वो सारे कार्यक्रम हमने उनको नोट करा दिए हैं। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक लगातार हम लोग विधानसभा स्तर पर आएंगे। 2 टीम बनाई गई है, एक टीम में नये सारे जी और मैं रहेंगे, दूसरी टीम में इंजीनियर वीरपाल जी और सुंदर चौधरी रहेंगे। 35 विधानसभा में वो जाएंगे और 35 विधानसभा में हम लोग जाएंगे। तो हम जाकर हर विधानसभा में चुनाव से पहले 70-70 विधानसभा में जाना चाहते हैं और जाकर जो रणनीति बहन जी ने बताई है उसका खुलासा वहां जाकर करने का काम करेंगे, क्योंकि आज हमारे जिम्मेदार साथी इधर आए हैं। जब विधानसभा में पहुंचेंगे तो जो लोग आज यहाँ नहीं पहुंच पाए तो विधानसभा में भी उनकी जानकारी में ये सारे प्रोग्राम होने चाहिए। तो साथियों, क्योंकि ये जो वर्तमान स्थिति चल रही है ये आपसे किसी से छुपी नहीं है, हमारे सभी साथियों ने इसको बताने का काम भी किया है। इस समय जीने और मरने का सवाल है। इस समय यदि हम लोग चूक हो गई तो फिर ये हम पछताते रह जाएंगे और वो समय फिर दोबारा नहीं आने वाला जो आज वर्तमान स्थिति बनी हुई। आज चाहे साथियों अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे साथियों देवागौड़ा हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे साथियों इस देश के अंदर छोटे मोटे जो भी दल हैं, उनकी सबकी एक चाहत है कि इस देश में भी मोदी को कोई भी हरा सकता है, वो एकमात्र नेता बहन कुमारी मैथिल। तो आज विकल्प के रूप में आपके नेता को देश के सब सर्वसम्मति से नेता को चुनने का काम किया है। और अभी हमारे साथी ने बताने का काम किया है कि जब 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 आप लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, हमारे महापुरुष आगे बढ़े तो उनको रोकने का काम किया, आज आपकी नेता आगे बढ़ना की कोशिश में है तो साथ उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम किया जा रहा है। जिस समय देश का संविधान लिखा जा रहा था तो साथियों यहाँ सरदार पटेल एंड पार्टी गांधी नेहरू ने कहते था कि हमने पार्लियामेंट के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, हम देखते हैं कि अम्बेडकर पार्लियामेंट के अंदर कैसे घुसता है। ये तो धन्य साथियों वहां मुस्लिम लीग के लोगों का और साथ ही चांडाल बिरादरी के लोग जिन्होंने जासूर फूलने से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जिताकर पार्लियामेंट के अंदर भी काम किया, तो साथियों वहां से उनको जिताकर भेजने का काम किया। मगर उस समय देश का बंटवारा हो गया, जब देश का बंटवारा हुआ तो साथियों तय किया गया था कि भारत के अंदर जहां 50% से ज्यादा हिंदू रहते हैं वो साथियों भारत में वो क्षेत्र रहेगा और जहां 50% से ज्यादा मुसलमान है साथियों वो पाकिस्तान में वो क्षेत्र जाएगा। मगर जानबूझ कर इन लोगों ने, क्योंकि बाबा साहब को जिन लोगों ने जिताने जो चांडाल बिरादरी के लोग थे, जो चांडाल बिरादरी के लोग थे, जो मुस्लिम लीग के लोग थे, उन्होंने साथियों बाबा साहब को जब जिताकर भेजा तो जानबूझ कर यहां के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं उनके चाहत रहती है किसी भी तरह अम्बेडकर को यहां से बाहर करना है। तो साथियों उन्होंने उस हिस्से को जानबूझ कर जहां 50% से ज्यादा वहां पर हिंदू लोग रहते थे तो उसे पाकिस्तान के अंदर करने का काम किया। जब पाकिस्तान के अंदर कर दिया तो साथियों जोगिंदर मंडल और बाबा साहब दोनों वहां के एमपी बन गए। अब बाबा साहब फिर अंग्रेजों के पास गए कि मेरे साथ गांधी नेहरू ने फिर चाल कर दी, हमारे साथ फिर चाल कर दिए, मुझे मेरे लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं और साथ ही मुझे यहाँ का पाकिस्तान का एमपी बना दिया। तो चाहते उस समय अंग्रेजों के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने फिर गांधी नेहरू को बुलाया और ये कहा
यदि आपने बाबा साहब को जिताकर नहीं भेजा तो किसी भी केंद्र देश को आजाद करने वाले हम लोग नहीं है। यदि देश की आजादी भी मिली है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उस समय रोकने काम किया, और उस समय हमारे जो चांडाल बिरादरी के जो महापुरुष पैदा हुए हरिचंद गुरुचंद ठाकुर पैदा हुए, उन्होंने कहने काम किया कि ते जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा और खुशहाल नहीं हो सकता। उन्होंने एक बात और कही कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। यदि समस्याओं का हल निकालना है तो इस देश के अंदर बल तो आपका बन चुका है, दल आपका बन चुका है, मात्र बल आपको लगाना है। और आप हर आदमी के पीछे बल लगाते रहे, कभी कांग्रेस के पीछे लगाते रहे, कभी जनता दल के पीछे लगाते रहे, कभी साथ के बीजेपी के पीछे लगाते रहे, और कभी एक खामोखा पार्टी आई उसके पीछे लगा दिया। और जब जिस दिन तुम अपना इस बल को अपनी पार्टी के पीछे लगा दोगे तो साथ के कोई मैं गला इस देश के अंदर बहन कुमारी मैं को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाएगा। तो मेरी आपसे अपील है, यदि हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर चल कर आए तो ये डूबिए साथियों हमारी। आज वही साथियों दौड़ यहाँ पर चला है कि साथियों इस समय बहन कुमारी मैथ को रोकने के लिए वो षड्यंत्र रच रहे, कभी ईडी लगा रहे हैं, कभी साथियों और किसी पर ईडी लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मगर साथियों आज समाज जागृत है, हमारे नौजवान जागृत है, हमारी महिलाएं जागृत है, हमारे लोग जागृत है। मगर साथियों वो टीवी पर जो हमारी फेसबुक है या साथियों व्हाट्सएप पर ना रहे, क्योंकि व्हाट्सएप से और फेसबुक से प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। हमें जमीन पर आना होगा, जमीन पर काम करना होगा, आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना होगा। अभी महेश आजी के सानिध्य में मैं मुझे बहन जी ने मध्य प्रदेश में लगाया था, तो वहां पर जब हम लोग गए तो बहन कुमारी नायक ने आठ रैली में साथ एक दिन में दो रैली की, और हेलीकॉप्टर का जो उनका खर्चा था एक दिन में 2 करोड़ रुपए का खर्चा था। और अभी भी हम प्रदेश कार्यालय में बैठा तो मेरा अध्यक्ष जी दोनों थे, तो अभी एक हेलीकॉप्टर का जिनके पास हेलीकॉप्टर है ये जिनकी कंपनी है वो यहाँ चल कर आए कि साथियों इस बार यदि चुनाव होगा तो बहन जी से हमारे हेलीकॉप्टर यदि आप कर लें तो साथियों ये हमारे किराए का ये किराया है, इसको हायर कर लें आप लोग तो साथियों 1 घंटे का 3.5 लाख रुपए लगते हैं, 1 घंटे के 3.5 लाख रुपए। और साथियों ये नहीं कि जितने घंटे चलेगा हेलीकॉप्टर उतने घंटे काउंट होंगे, क्योंकि साथियों पूरे महीने के लिए यदि हेलीकॉप्टर चुनाव है तो पूरे महीने के लिए यदि खड़ा है तो भी साथियों उसके 3,500 घंटे हैं। तो यदि आपको अपने नेता को पता आपको पार्लियामेंट के अंदर देखना चाहता है, देश के प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं, तो साथियों बहन कुमारी नायक जी का हाथ को मजबूत करने के लिए आपको आर्थिक मदद भी करनी होगी। हमारे लोग कोई 200 रुपए पकड़ाते हैं, क्लास मनाधिकारी हमारे 200 रुपए देता है, एक गरीब आदमी ठेला चलाने वाला 5 रुपए देता है। तो साथियों हमें समझना पड़ेगा, बिना पैसे के साथ हमारी बात नहीं बनेगी। और हमारी पार्टी कोई किसी उद्योगपति से बात नहीं करती है, किसी फिल्म स्टार से बात नहीं करती है, कोई नाचने वाला कोई गवैया आपके पास नहीं है। हमारी जो भी ताकत है वो साथ जो हमारे कार्यकर्ता जो भी हमारे नेता हमारे महापुरुषों की सोच है कि अब ना बिकने वाला समाज बनाकर अपने पैरों पर खड़ा कर इस देश की शासन प्रसाद में आपको भागीदारी देनी है। यदि आपको शासन प्रसाद में भागीदारी लेनी है तो किसी के रहम और परम पर नहीं अपने बलबूते पर आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। और यदि आप अपने बलबूते पर गए तो साथियों निश्चित रूप से साथियों आपकी सरकार ऐसी चलेगी जैसे उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बहन कुमारी मैथिली उत्तर प्रदेश में चलाकर दिखाई, तो उसके लिए आपको हमें कमर कसनी पड़ेगी। आज एक इस देश का प्रधानमंत्री 5,000 करोड़ अपने प्रचार के ऊपर खर्च करता है, 5,000 करोड़ अपने प्रचार पर लगाता है, 1,458 करोड़ विदेश यात्रा पर लगाता है, नोटबंदी के लिए 264 करोड़ खर्च करता है, और साथ ही 136 करोड़ साथ ही जीएसटी को बढ़िया बताने के लिए लगाता है। ये साथ ही इतना पैसा कहां से आ गया उसके पास पैसा, क्योंकि आपने उसको साथ ही उस खजाने की चाबी दी है जिस पे साथ ही बैठ के वो आसानी से खोलता है, जैसे चाहे उसको निर्णय लेता है। तो साथ ही उसको यदि हमें रोकना है, यदि साथ ही ताकत को आपको प्राप्त करना है, अपने महापुरुषों की बात करना है, तो साथ ही बाबा साहब की बात को फिर हमें मानना पड़ेगा। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश के संविधान हाथ में दिया तो ये कह के दिया कि आज से तुम दोहरी जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हो, आप दोहरी जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हो कि मैंने तुम्हें बोर्ड के आधार पर वन वर्ल्ड वन वैल्यू के आधार पर मैंने तुम्हें बराबर बना दिया, मगर सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर गैर बराबर की जिंदगी जियोगे यदि तुम लोगों ने इस बोर्ड के हथियार को सही इस्तेमाल कर लिया और जल्दी से जल्दी अपनी सरकार बना ली तो सामाजिक स्तर पर बराबर बन जाएंगे और आर्थिक स्तर पर भी आप बराबर बन जाएंगे। मगर साथ ही हमने 72 साल में समय गवाया, हमारे लोग साथ देखते रहे, और आज वो दिन आ गया कि साथियों यहाँ पर जितना भी बाबा साहब ने मेहनत कर आप लोगों को साथ आरक्षण दिलाने का काम किया, साथ उसको खत्म करने का काम यहाँ की वर्तमान सरकार जिनको हमने बनवाने का काम किया था, साथ ही उन्होंने सारे आपके हक हाँ का रोग को खत्म करने का काम किया।
और उनकी चाहत है कि किस तरह आपको मृत्यु मिला जाए, किस तरह 5000 की गुलामी से जो बाबा साहब को निकाल कर लेकर आए थे फिर वहीं पे भेज दिया जाए, तो साथ ही इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। ये समझने की जरूरत है कि साथ ही हम लोग किसी भी तरह मतलब ये मौका, ये जो हमें मौका मिला है किसी भी तरह हमें इसे गंवाना नहीं। हमें बहन कुमारी में जो हाथ को मजबूत करना है, चाहे पैसे की बात आ जाए, चाहे साथियों ताकत की बात आ जाए, चाहे वोट की ताकत आ जाए, हर साथ ताकत में हमें बहन कुमारी मैं के साथ खड़ा होना होगा। मगर आज साथियों जितने भी लोग हैं, यदि हम समाज के बीच में आते हैं तो साथियों दुश्मन की भाषा हमारे लोग बोलते हैं, अरे मायावती के पास पैसे क्या कमी है, मायावती के पास बहुत पैसा है। आखिर मायावती के पास पैसा है यदि हमारे लोग बता रहे हैं तो रामलाल पासवान के पास पैसा क्यों नहीं बताते, राम उठावे के पास पैसा क्यों नहीं बता रहे, उदित नारायण के पास पैसा क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि साथियों बहन कुमारी मैं भी अपने पैरों पर खड़े होकर वहां तक पहुंचे और उन्होंने बाबा साहब की बात को माना है, जो बाबा साहब ने पार्लियामेंट की तरफ उंगली करके कहा कि कैपिटल सिस्टम पर पावर फॉर इमेंसिपेशन, सत्ता के मंदिर पर गरीबों का कब्जा करो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस बात को बहन कुमारी मायावती ने और माननीय कांसी राम साहब ने माना और साथियों चार बार जब मुख्यमंत्री बनी तो साथियों आज उनके पास सामाजिक स्तर पर भी वो लोग आपको पास बढ़ाने नहीं चाहते थे, जो आपसे घृणा करते थे वो आज आपके मंच पर आके जय भीम का नारा लगाने का काम करते हैं, बहन कुमारी मायावती को पैर छूने का काम करते हैं। और साथियों जब सरकार चार बार बनी तो बहन कुमारी मायावती आर्थिक रूप में भी मजबूत हुई। मगर साथी इस छोटी सी आर्थिक स्थिति को हम देख लें तो इससे हमारी बात नहीं बनेगी। यदि लड़ाई लंबी है, लड़ाई बड़ी है, देश की लड़ाई प्रदेश की लड़ाई में अंतर है, यदि हमें प्रदेश के साथ यदि हमें पूरे देश की लड़ाई लड़नी है तो साथियों से कितने हजार गुना ज्यादा पैसा आपके पास होना चाहिए। तो इस बात को हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमारे एक कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा और हमें गली कूचे के अंदर निकलना पड़ेगा। हमारा कार्यकर्ता भी ठंडा हो गया, यदि हमारा कार्यकर्ता नहीं निकला तो साथियों फिर बात बनेगी नहीं। और साथियों हमें ये जिद करनी पड़ेगी जो जितने भी नेता हैं कि मुझे अपने बूथ से अपने प्रत्याशी को जिताकर भेजने काम करना चाहिए। और यदि हमने अपने बूथ से प्रत्याशी को जिताकर भेजने काम किया तो साथियों निश्चित रूप से आपकी विजय हो जाएगी, नहीं तो साथियों उनके पास ना पैसे की कमी है ना और किसी की कमी है, शाम दंड भेद सारा इस्तेमाल वो लोग करते हैं। तो साथियों इसलिए हमें अपने कार्यकर्ता को सावधान करने की जरूरत है, हमें होश में रहना होगा, हमें दुश्मन की चाल को समझना होगा और उसके आधार पर हमें तैयारी रणनीति बनानी पड़ेगी। हमारे नेता ने पूरी जिंदगी इस काम के लिए लगाई है, अरे 14 साल की लड़की हो जाए उसकी चाल बन जाती है कि मेरी मांग का सिंदूर भरे, मेरा पति हो, मेरे बच्चे हो, मेरा घर बार हो, मगर वो सारे सुख को ताकने काम किया तो आपकी नेता बहन कुमारी मायावती ने किया। तो ऐसी नेता के साथ हमें नहीं खड़ा होना चाहिए, ऐसी नेता हो कि हमें आगे नहीं पहुंचाना चाहिए, अरे हम तो यहाँ इस पार्टी के नेता हैं कार्यकर्ता हैं हम तो कहेंगे, अरे अमेरिका से सबक लेना चाहिए, अमेरिका ने बाबा साहब को सम्मान देने काम किया, अमेरिका ने बहन कुमारी मायावती को सर्व कराने काम किया कि विश्व में कौन से ऐसी महिला जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में मुकाम हासिल किया, तो 8 महिला को सिलेक्ट किया, पहला नंबर यदि किसको दिया तो आपके नेता बहन कुमारी मायावती को देने काम किया। तो ऐसी नेता को हमें देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए, कब तक गुलामों को बनाते रहेंगे, कब तक गुलामी सहते रहेंगे? तो साथ यदि हमें गुलामी को दूर करना है, अपने आने वाली जनरेशन को बेहतर जिंदगी देने का काम करना है तो निश्चित रूप से साथ हमें एक एक वोट चुनाव चिन्ह हाथ पर डालना पड़ेगा, अपने नेता को मजबूत करना पड़ेगा। और जब तक आपकी नेता प्रधानमंत्री नहीं बनेगी आपको इस देश के अंदर सम्मान मिलने वाला किसी भी कीमत पर नहीं। और दूसरे दल में जितने भी लोग हैं आज साथ वो अंदर से तड़पते हैं, वो अपने एक शब्द नहीं बोल सकते, एक बात अपनी एक बात नहीं मनवा सकते, वो मंत्री बन सकते हैं मगर साथ समाज के लिए एक भी काम नहीं कर सकते, तो ऐसे मंत्री पद का फिर क्या काम, क्या फायदा है सर? तो साथ यदि हम अपने पैरों पे नहीं खड़ेंगे, अपने महापुरुषों की बात को नहीं माना तो निश्चित साथियों हमारा पतन होगा। और साथ इस बार यदि हम चूक गए तो साथ निश्चित आप लोग मान लेना कि साथ हमारे ऊपर हंडिया पीछे झाड़ू और पैर में घुंघर बन जाएगा। यदि इनसे बचना है, अपने आने वाली जनरेशन को बचाना है तो साथ हमें यहाँ की जो भी विरोधी ताकतें हैं, जो आपके नेता को आज प्रेस करना चाहती हैं, जो आपके नेता को हराना चाहते हैं, तो साथ अब हमें भी जीत करना पड़ेगा। यदि ये कार्यकर्ता सम्मेलन है तो हमें सारे कार्यकर्ता को यहाँ से शपथ लेकर उठना पड़ेगा कि जब 2019 के अंदर बहन जी का इधर लोकसभा का चुनाव होगा तो अपने साथियों के साथ प्रत्याशियों को जिताकर हम साथियों बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मगर साथ यदि हम लोग ताली बजाते रहे और एक भी एमपी ना जीते तो फिर साथियों बात नहीं बनेगी। ये तो निश्चित है कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही, कोई नहीं रोक पाएगा। मगर साथियों देश इस प्रदेश का भी उसमें योगदान होना चाहिए। 7 लोकसभा की सीट है, यदि साथियों आपने 1, 2, 4, 5 मैं तो कहता हूँ 7 के साथ जीतनी चाहिए, मगर यदि हमारा योगदान उसके अंदर होना चाहिए और यदि योगदान नहीं होगा तो साथियों ताली बजाते रहना, ताली बजाने से बात नहीं बनेगी, साथियों रिजल्ट लाने से बात बनेगी। और रिजल्ट साथियों ऐसे नहीं आएगा, रिजल्ट के लिए हर आदमी को, हर वर्कर को, हर कार्यकर्ता को, हर बड़े छोटे जिम्मेदार आदमी को खड़ा होना होगा, सही समीकरण बनाने पड़ेंगे, सही राजनीति,
सही राजनीति के आधार पर निर्णय लेने पड़ेंगे कि किसको चुनाव लड़ना चाहिए, कौन सी बिरादरी के आदमी को लड़ना चाहिए और किसको लड़ाने से हमें फायदा है, तो साथ सारे समीकरण हमें निकालकर हमें आगे रणनीति बनानी पड़ेगी। तो इसी साथ इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करते हुए कि आप मैं नारे के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। तक बदल दो, टाइम बदल दो, तक बदल दो, टाइम बदल दो, रोटी रोटी देने सकी जो सरकारी।